आज़ादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी पारसवाड़ा तहसील के कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां के बाशिंदे आज पानी के लिए परेशान हैं, सड़कों के लिए मोहताज हैं, मूलभूत सुविधाओं का यहां पर अभाव है और नरकीय जीवन जीने को वह मजबूर बने हुए हैं। जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते, दफ्तरों के चक्कर काटे जाते हैं, शिकायतें की जाती हैं लेकिन व्यवस्था जस की तस बनी रहती है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ मतदाता मात्र बनकर वह रह गए हैं। मामला बालाघाट जिले के आदिवासी बहुल्य क्षेत्र पारसवाड़ा तहसील के वनांचल ग्राम सिलगी का है, जहां वर्रा टोला का यह पूरा क्षेत्र है। यहां अगर देखा जाए तो गरीब परिवारों को कोई भी सुविधाएं नहीं मिल पाती, सरकारी योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि शिकायतें नहीं की गई हों, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनके कान पर जू भी नहीं रेंगता। यहाँ न सड़क का निर्माण हुआ है, न पीने के लिए पानी की समुचित व्यवस्था है। निवासरत शगुनबाई और मासूम माही का जानकारी देने के साथ ही यह कहना है कि 20 वर्षों से यहाँ निवास कर रही हैं, कई दफ़ा विद्युत विभाग के चक्कर काटे हैं लेकिन आज तक यहाँ लाइट नहीं आ पाई। यहाँ समस्या लाइट की, कुआं की, रोड की और बहुत सारे परेशानी है हमको। बच्चे को भी पढ़ाने लिखाने सब चीज़। शिकायत नहीं किया किसी से? शिकायत तो करे जी, लेकिन सब आके चले गए, पंचायत में किए, जनपद में किए, सब जगह जा जाके कोई ध्यान नहीं दिए। अभी तक यहाँ पर लाइट भी नहीं लगी है? नहीं जी। अच्छा, हैंडपंप या पानी वानी, पानी कहाँ से लाते हैं? पानी खेत में कुआ है, झिरिया है, वहीं से लाते हैं, वहीं से यूज होता है सब। अच्छा अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने कहीं की है कि यहाँ पे पानी के लिए भी व्यवस्था नहीं है और बिजली की भी नहीं करके? पंचायत में भी किए और परसवाड़ा जाके वहाँ ब्लॉक ऑफिस में सब में किए हैं। कितने सालों से रहते हैं यहाँ पे आप? जी मैं तो यहाँ आई हूँ, 20 साल हो गई, तब से कुछ भी नहीं है। माही पढ़ते? कौन सी कक्षा पढ़ती हो माही? पहली। पहली पढ़ती हो? स्कूल जाती हो? हाँ। किधर से जाती हो स्कूल? खेतों से। खेत से जाती हो? हाँ। क्यों, सड़क नहीं है? नहीं। रात में कैसे पढ़ाई करती हो? चिमनी से। क्यों? लाइट नहीं है। लाइट नहीं है? नहीं। कब से लाइट नहीं है? बहुत दिन से हो गया लाइट नहीं थी। सड़क के लिए तो नया प्रस्ताव गया है, नई सड़क में उसको जोड़ा गया है जी, तो वो रोड तो बन जाएगी आगामी 6 माह में, हो जाएगा वो काम जी। और रही बात पीने के पानी की, तो कपिल धारा कूप है, उनको देखते हैं हम अभी, आज दवाई डलवा के उसको और पीने योग्य बनवा देते हैं उसमें जी। और हैंडपम्प के लिए अभी PHA से बात करी है, तो जैसे उनको भी अभी नए टारगेट होंगे तो वो करवाएंगे। शिकायत है उसमें, अपन सौभाग्य योजना के अंतर्गत काम होना था जी, उसका प्रोजेक्ट नंबर भी है 516367। वो अभी सौभाग्य योजना में शामिल किया, अभी जो नई DPR आएंगी उसमें जैसे फंड आता उसका काम होना है जी। उसमें 1 किलोमीटर की लाइन लगेगी जी, विद्युतीकृत होना है, कुछ घर बाकी हैं वहाँ पर जी, 10-12 जो भी हैं, उसका मेप एक नक्शा सब बुलवा लिया हम लोगों ने जी। और वो लाइन लंबी होने के कारण अभी काम स्थगित है। सर कितना समय लग जाएगा ऐसा कुछ? योजना है भाई, सौभाग्य योजना जैसे फंड आता है।